अहबाब अहले सुन्नत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं शकील अंसारी। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, इसे पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो माँ बहनों के जो माशरे हैं, जो आज के हालात हैं, उस पर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। बस इसी चीज़ को लेकर के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि हमारे अंदर एक जागरूकता आए, हमारी बहन बेटियों के ऊपर ध्यान रखे कि वो क्या करती हैं और वो क्या कर रही हैं। तो मामला दरअसल ये है कि ये मुमरा में एक प्रोग्राम हुआ था मुनव्वर फारूकी का, तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ गई हुई थी, कुछ नहीं बहुत सी लड़कियाँ गई हुई थी। तो ये वीडियो जो है, मैंने जब मेरे निगाह के सामने से गुजरा तो मैंने बोला कि इसको ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो रिपोर्टर है वो रिपोर्टिंग के लिए जब लड़कियों के बीच में जाता है तो वो अपना मुनव्वर फारूकी के लिए कुछ सवाल करता है तो लड़कियां तुरंत उसे जवाब देती हैं, लेकिन जब वही रिपोर्टर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए कुछ सवाल करता है तो वो लड़कियां मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पहचानने से इनकार करती हैं। तो ये देख करके बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी बहन बेटियाँ का माहौल क्या हो गया है। तो अब मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा जो मुनव्वर फारूकी का मुमरा में हुआ था। तो इस वीडियो का जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट जो जाता है वो मुंबई टीवी को जाता है, मुंबई टीवी ने इस वीडियो को शूट किया है। तो अब मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो प्ले करता हूं, आप लोग उस वीडियो को देखें। मुनव्वर के अलावा आप धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो सॉरी पर इतना याद नहीं है, पर बहुत सारे पेज मतलब फॉलो करती हूँ मैं। इस्लामिक हो गया और जैसे पुरानी चैनल हो गया, ऐसे दो तीन चैनल मैं करती हूँ फॉलो उसको। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने इस वीडियो में सुना, मैं थोड़ा सा स्टॉप किया हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि वो रिपोर्टर जब इन लड़कियों से पूछता है कि मुनव्वर के अलावा आप धार्मिक इस्लामिक कौन कौन से पेज फॉलो करते हैं, तो वो लड़की तो पहले ज़ोर से हंसती है, उसके बाद में उसके जवाब आप लोगों ने सुना जो कि मेरे खुद समझ में नहीं है, आप लोग ने भी सुना होगा तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो फॉलो किस इस्लामिक पेज को करती है। तो अब मैं आगे का पार्ट आप लोगों को सुनाता हूँ और बीच बीच में मैं आप लोगों से सवाल भी करता रहूँगा और आप लोग भी कमेंट के ज़रिए इस वीडियो में अपनी राय जरूर दें। हाँ, ये मुनव्वर के लिए जैसा आप लोगों का क्रेज है, ये धार्मिक लोगों में क्यों नहीं क्रेज है? धार्मिक लोगों के मैं समझू नहीं, जो भी धार्मिक चीजें होती है चाहे वो मुफ्ती अजहरी जी का आपको मामला पता होगा, बहरहाल यहाँ पे मैं यही पूछूंगा कि क्या उनके सपोर्ट में आप लोग इस तरीके का कुछ स्टेटस वगैरह या सपोर्ट में कोई मैसेज वगैरह डाले थे? तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि वो रिपोर्टर जो है पूछता है कि जिस तरह से आप लोगों का मुनव्वर फारूकी को लेकर के क्रेज है, क्या इसी तरह का क्रेज आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए है? तो वो पहले कहती है कि मैं समझी नहीं, तो वो कहता है रिपोर्टर के मुफ्ती सलमान अजहरी का जो मामला लेकर के चल रहा है उस पर आपने क्या कोई सपोर्ट किया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कोई स्टेटस लगाया या कुछ भी ऐसा उसने इस वीडियो में सवाल किया है, आप लोगों ने भी सुना होगा। अब मैं आगे का आप लोगों को वीडियो प्ले करके सुनाता हूँ, आप लोग वीडियो देखें। काफी लोग है ना, अलग अलग मौलाना लोग जो अलग अलग ना बातें करते हैं, अलग अलग हदीस डालते हैं, हमको ये खुद को नहीं पता कि हदीस कौन सी सही है और किस पे हम फॉलो करें। इसके हाँ, ये बात आपने जो सही बोले, आपने जो अभी आपने क्या बोला कौन से फॉलो जिसमें आप फॉलो करते हो, मैं उसके ऊपर से आपको बोल रही हूँ क्योंकि आजकल के मौलाना लोग है ना जो सब अलग अलग हदीस डालते हैं, अपने हिसाब से डालते हैं, कुछ लोग बताए क्या है ना नशा कर सकते। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, वो लड़की जवाब देती है रिपोर्टर के सवाल पे कि मौलाना लोग को हम फॉलो इसलिए नहीं करते हैं कि मौलाना लोग जो होते हैं वो तरह तरह की अलग अलग हदीस से अलग अलग बातें बताते हैं, तो हम किस पे यकीन करें? तो इस पे रिपोर्टर कहता है कि आप कुरान पढ़े। फिर उसी सवाल के ऊपर वापस ये लड़की आते हुए कहती है कि मौलाना लोग जो होते हैं वो अलग अलग हदीस से बताते हैं, कुछ मौलाना होते हैं जो कहते हैं कि नशा कर सकते हैं, माज़ अल्लाह, मतलब नशा करना जायज़ है। ये वीडियो इस वक्त रोकी ताकि आप लोगों को इसके बारे में भी बता सके और इस पर भी आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं। अब मैं आगे का वीडियो प्ले करता हूं, आप लोग पूरा इसे ज़रूर सुने और इसके बाद में मैं इस वीडियो पे क्या रिएक्शन आया है वो भी आप लोगों को पूरा बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखें और इसकी बिल्कुल ना करना। कुछ लोग ये मौलाना लोग बोलते हैं, इसकी वजह से मैं मौलाना लोग को देखती ही नहीं हूँ, सच बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, सिर्फ कुरान पे भरोसा करते हैं हम लोग बस। आप लोग आए हो, क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें सही है आपके? लोग पसंद करते हैं ऐसा कुछ
आपके घर वाले जानते हैं, सपोर्ट के साथ आए, ऐसे कोई छुप छुपा की चीजें नहीं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा और देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं इस वीडियो पे जो लोगों ने रिएक्शन किया है वो पूरा पढ़ करके आप लोगों को सुनाता हूँ। और सबसे पहला जो आपके सामने ये रिएक्शन है, सरफराज अहमद हुसैन करके हैं, उन्होंने इस वीडियो के रिप्लाई में क्या कहा है ये आपके सामने स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। अभी टाइम है, तौबा कर ले, इस्लाम पे चलना सीखो, नहीं तो अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो, अल्लाह मेरी बहनों को हिदायत दे, आमीन। तो ये सरफराज अहमद हुसैन है जिन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। अब इसके बाद में हम दूसरा ट्वीट पढ़ते हैं आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों, ये आजाद सिद्दीकी हैं, ये ट्वीट करके क्या कह रहे हैं इस वीडियो के रिएक्शन में, हमारे मुआशरे में अभी बहुत जाहिलियत भरी है, जो कि इंस्टाग्राम पर नाचने गाने वालों को तो जानते हैं पर नामों से रिसालत पर पहरा देने वालों को नहीं जानते, अल्लाह हिदायत दे सबको। बहुत ही अच्छा कमेंट है, ये बात बहुत सही कही इन्होंने कि नाचने गाने वाले को तो जानते हैं लेकिन जो नामों से रिसालत पे पहरा दे रहे, जान दे रहे हैं उनको नहीं जानते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। हाँ तो दोस्तों, ये नेक्स्ट कमेंट है सालेहा इकबाल करके, वो कहती हैं कि मैं कई स्कॉलर को सुनी हूँ, आज तक कोई नहीं बोला नशा जायज़ है, इवन कोई नॉन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल भी नहीं बोलेगा कि नशा करो, फिर ये किसको सुनी है और ये अपनी नालायकी किसी आलिम पर कैसे थोप सकती है, इतने बेसिक अगर इनके पेरेंट्स ने इनको नहीं सिखाए तो सद अफसोर। हाँ तो दोस्तों, अब नेक्स्ट कमेंट जो है वो मोहम्मद खालिद रज़ा क्या कह रहे हैं आपके सामने, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार आपके माता पिता हैं जिन्होंने आपको इस्लाम के बारे में बुनियादी पाठ नहीं पढ़ाया, आधुनिक मुस्लिम उम्मा। तो ये इन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो ये सोहेब सुल्तान है, नेक्स्ट कमेंट में इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, ये सब वही लड़कियां हैं जो घर में माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उनको क्या फ़र्क पड़ता है मुफ्ती सलमान साहब कौन है, ये टोटल छपरी जनरेशन है भाई, इंस्टा वीडियो बनाने आई है सब इधर। तो ये भी एक बहुत अच्छा कमेंट है। अब हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। ये यूज़र जो है इनका नाम आरिफ है, आपा अगर इस्लामिक चैनल फॉलो कर रही होती तो यहाँ मुनव्वर को देखने नहीं आती, आपा का मुनव्वर के प्रोग्राम में जाना ही बता रहा है कि वो कितनी इस्लामिक है। ये भी बहुत बेहतरीन कमेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। ये भी सरफराज हुसैन है, ये क्या कहते हैं, जब ये औरतें ही नाचने गाने वालों को पसंद करती हैं तो इनकी नस्लों में कैसे कोई सुल्तान हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो सकता है, शर्म आती है इन औरतों पर जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वाले उल्मा को नहीं जानती। ये भी बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन रिएक्शन था। अब चलते हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो ये जो कमेंट है ये फैज़ान अहमद सैफी का है, वो कहते हैं कि झूठी, कोई भी मौलाना ये नहीं बोल सकता कि नशा कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ, उनका क्या रिएक्शन है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाता हूँ। तो इनका नाम है आज़ाद नूरी 786, ये क्या कहते हैं, इन्होंने लिखा है कि इन्हीं लोगों को बहकाया जाता है और ऐसे लोग आसानी से बहक जाते हैं, मुनाफिकों की कतार में लग जाती हैं, फिर 2-3 साल मीडिया पर आकर रोती हैं। तो ये थे लोगों के रिएक्शन जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ करके सुनाया। अगर बोलने में जबान फिसल गई हो, कुछ गलती हो गई हो तो मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि जबान है फिसल जाती है, पढ़ने में आगे पीछे हो जाते हैं। दोस्तों, यही वीडियो के लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त ऑडियो मुझे मिली है, इसी वीडियो के ऊपर उस भाई ने रिएक्शन दिया है, वो ऑडियो मैं आप लोगों को प्ले करके सुनाता हूँ, इस ऑडियो को भी आप लोग जरूर सुने। वाकया ये है कि मुंबई के एक रोड पर हिजाबी गर्ल्स
मासूम बच्चे अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए रोड पर आकर खड़े, इस जलालत तक पहुंचने में हमने बड़ी लंबी मुसाफत तय की है। कादर खान, दिलीप कुमार से लेकर के शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, MCS स्टैंड, आसिम रियाज, मुनव्वर फारूकी, ये सब बिग बॉस जीत जाते हैं। आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई एजेंडा, कोई पॉलिसी नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत भोले हैं। वो दौर गया कि ये फितने आपके घर तक पहुंचेंगे। अब ये फितने आपके घर से आपके पर्दा नशीन माओ बहनों को घरों से निकाल कर उनको बाजार की जीनत बना चुकी है। ना यकीन आए तो अपने बेटियों के, अपने बहनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करें। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है खान ब्रदर्स का, बॉलीवुड ड्रामा और सीरियल्स का, इन्होंने आपके पूरी सोसाइटी में एक नई जनरेशन तैयार की जो लिबरलिज्म से इन्फ्लुएंस होने के बाद एथिज्म तक पहुंच गए। आज आपके सोसाइटी में गंगा जहन्नमी तहजीब बहुत कॉमन है और आप इन चीजों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कुरान की एक आयत है, वकालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फाज़ल्लूना सबीला। हश्र के मैदान में ये लोग कहेंगे कि अल्लाह, हम अपने बड़ों को, अपने इंटेलेक्चुअल्स को, अपने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते थे, यानी घर के बड़ों को, जो कौम में जिम्मेदार लोग हैं उनको, इन्होंने हमें तबाह किया है, तो आप सब लोगों की पकड़ होगी। लिहाजा इन फितनों को समझें, आपके घरों में जो मसले चल रहे हैं उसको समझें। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने ये ऑडियो सुना जो इस वीडियो के रिएक्शन में था, तो अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी बहन बेटियों के ऊपर निगाह रखें और इस तरह के माहौल से बचाएं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मकसद था, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मैं काफ़ी शॉक हो गया कि नाच गाने वालों को हमारी बहन बेटियां पहचान रही हैं, लेकिन जो नामोसे रिसालत के ऊपर अपनी जान दे रहा है, जो अपने आप को दुनिया भर के परेशानियों में मुब्तला कर रहा है, ऐसे उलमा को ये लड़कियां नहीं जानती, तो ये जान करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैं यही कहूँगा मेरे दोस्तों कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खास करके हमारी जो बहन बेटियां हैं ना, उनको खास करके ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।